एक बार सब लोग दिल से और जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज सिरसा में स्कूल अस्पताल रैली हो रही है। हरियाणा के कई इलाकों में स्कूल अस्पताल रैली हो चुकी है और मैंने चैलेंज किया था इन पार्टियों को, किसी में हिम्मत है तो तुम स्कूल अस्पताल रैली करके दिखाओ। ये दूसरी पार्टियां हुंकार रैली करेंगी, परिवर्तन रैली करेंगी, फलाना रैली, ढिमका रैली, किसी की हिम्मत नहीं है जो स्कूल अस्पताल रैली करके दिखा दे। आज 70 साल में कांग्रेस का राज हो चुका, बीजेपी का राज हो चुका, चौटाला का राज हो चुका हरियाणा में। इन तीनों पार्टियों में से एक भी पार्टी ने एक भी स्कूल ठीक करके बताया हो तो मेरे को बता दो जी, हमारे इलाके में फलाना स्कूल अच्छा कर दिया था। कांग्रेस ने अपने राज में 70 साल कांग्रेस रही, देश में रही, हरियाणा में कई साल रही, 10 साल हुड्डा की सरकार रही, एक स्कूल उन्होंने ठीक कराओ बता देना, एक स्कूल ठीक कराओ, कोई एक स्कूल किसी गांव में किसी इलाके में कराओ, कोई एक अस्पताल ठीक कराओ, एक डिस्पेंसरी ठीक करी हो। इतने साल, अब पिछले 4 साल से खट्टर साहब की सरकार है, 4 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, इन्होंने एक स्कूल कोई एक अस्पताल ठीक कराओ। चौटाला साहब की सरकार थी, इनेलो की सरकार थी पहले, इन्होंने कोई एक स्कूल एक अस्पताल ठीक करा रहा हो भाई साहब बता देना जरा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली में 3 साल के अंदर हमने सारे स्कूल और सारे अस्पताल ठीक कर दिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस जिसके रिश्तेदार दिल्ली में, जरा हाथ खड़े करो जिसके रिश्तेदार दिल्ली में, भाई साहब फोन करके पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से। और जिन जिन के रिश्तेदार नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार दिल्ली में देख के आओ आज सरकारी स्कूल कैसे हैं, सरकारी अस्पताल कैसे हैं। मेरे पास कल ही हरियाणा के अभिभावक संघ है, एक हरियाणा के जितने पेरेंट्स हैं, जितने बच्चे, जिनके बच्चे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी एक यूनियन है, उनकी एक एसोसिएशन है, वो सारे जने मिलने आए थे मेरे से दिल्ली। बोले जी, दिल्ली हरियाणा के अंदर खट्टर साहब के टाइम में सारे स्कूलों का बेड़ा गर्क हो गया, सरकारी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का, इन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी, इतनी फीस बढ़ा दी, बोले अब हमारे से अपने बच्चे पढ़ाने मुश्किल हो रहे हैं, फीस नहीं दी जाती हमसे। कुछ पेरेंट्स ने दिखाया कि हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है जी, हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं खट्टर साहब ऐसे? बोले जी हम गए थे खट्टर साहब से मिलने। मैंने कहा क्या बोले खट्टर साहब? बोले खट्टर साहब बोले समझौता कर लो प्राइवेट स्कूल वालों से, अगर बच्चे पढ़ाने हैं तो समझौता कर लो। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? बोले जी हमने कहा समझौता ही करना होता तो फिर आपको वोट किस बात का दिया था? आपको तो वोट इसी बात का दिया था कि आप प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करोगे। दिल्ली के अंदर भाई साहब सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे पिछले 2 साल से प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा अच्छे आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के नतीजे। कई बड़े बड़े लोग, अमीर लोग भी अब अपने बच्चों को
को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं और 3 साल से प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी। दिल्ली के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। हमने ऑर्डर जारी कर दिए, कोई प्राइवेट, खबरदार कोई प्राइवेट स्कूल वाला फीस बढ़ाएगा। फिर भी कुछ प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी करके फीस बढ़ाई। हमने नोटिस जारी कर दिया स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए, 10 दिन में पैसे वापस कर दिए उन स्कूल वालों ने। जितने दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं सबका ऑडिट ऑर्डर कर दिया, सबका ऑडिट करवाया। और शीला दीक्षित के टाइम पे हमारे से पहले 5 साल तक शीला दीक्षित के टाइम में भी जिन प्राइवेट स्कूल वालों ने ज्यादा फीस ली थी, पिछले 10 साल की सारी फीस वापस करवाई है। भाई साहब पेरेंट्स, कभी सुना था इस तरह का काम? कभी सुना था प्राइवेट स्कूल वालों को फीस वापस करते हुए? तो मैंने कल उनको अभिभावक संघ वालों को कहा, मैंने कहा भाई साहब अब एक ही चारा है आपका, सरकार बदल दो, खट्टर हटा दो, बीजेपी हटा दो, आम आदमी पार्टी की सरकार लाओ। 1 महीने के अंदर, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हरियाणा के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट ऑर्डर कर देंगे। और खट्टर साहब के टाइम पे जितनी फालतू फीस ली है इन प्राइवेट स्कूल वालों ने, सारी फीस वापस करवाएंगे आप लोगों को। अगले 5 साल तक फीस नहीं बढ़ने देंगे हरियाणा के अंदर। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है, अब हरियाणा के अंदर करके दिखाएंगे लोग। मैं खोखले वादे नहीं करता, दिल्ली में करके दिखाया है, अब हरियाणा की बारी है। मेरे पास कुछ और लोग आए, आप लोग ये सोचोगे केजरीवाल जी कहते हैं मेरे पास लोग आए कैसे आते हैं। भाई साहब मैं रोज सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक जनता से मिलता हूं, बिना टाइम लिए। दिल्ली का, हरियाणा का, कोई पूरे देश से कोई आ जाए मेरे से मिलने के लिए, 9:30 बजे मेरे घर के दरवाजे खोल देते हैं। सबसे मिलता हूं, एक एक आदमी को चाय पिलाता हूं और सबसे मिलता हूं जनता से। यहां इतने जने खड़े हैं, मेरे को बता देना कोई खट्टर साहब से आज तक मिला हो तो जरा हाथ खड़ा कर देना। कोई खट्टर साहब से मिला? आपका मुख्यमंत्री है जी, आपने वोट देके बनाया था। 2 दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए हरियाणा के, बोले जी हमारे घर में रात को कोई बीमार हो गया, सिविल अस्पताल लेके गए। बोले सिविल अस्पताल में ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई दवाई, ना कोई मशीन। एक और गांव से मेरे पास, गांव बाल पबाना है असंद विधानसभा में, वहां से कुछ लोग आए, बोले अरविंद जी हमने दिल्ली के आपके मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं, अस्पताल देखे हैं, खूब शानदार हो गए दिल्ली के अस्पताल, हमारे हरियाणा की डिस्पेंसरी आके देखो। मैं डिस्पेंसरी देखने गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, खट्टर साहब ने गांव के बाहर सड़क जाम करा दी, अपने आदमी बिठा दिए, मेरे को गांव में नहीं घुसने दिया। खट्टर साहब ने मेरे को गांव में जाने से रोक लिया, पुलिस ने मेरे को रास्ते में रोक लिया। बताओ मैं आतंकवादी हूं क्या? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, डिस्पेंसरी देखने जा रहा था, मेरे हरियाणा में आया था, हरियाणा में पैदा हुआ था मैं, हरियाणा मेरा है, किसी के बाप का नहीं है हरियाणा। हरियाणा हरियाणा के लोगों का है। मेरे को गांव में घुसने से रोक दिया, पुलिस ने मेरे को गांव के बाहर रोक दिया, बोले जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के बैठे, आप गांव में नहीं जा सकते। क्यों रोका उन्होंने? उस डिस्पेंसरी में भाई साहब कुछ नहीं था, उस डिस्पेंसरी के अंदर जानवर चल रहे थे, उनको लगा सारा मीडिया केजरीवाल के साथ जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी।
दोस्तों, अगर अपने को हरियाणा के अस्पताल और हरियाणा की डिस्पेंसरी बदलनी है, अभी तक अपने पास मौका नहीं था, अभी तक मजबूरी थी। एक बार इनेलो, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार चौटाला, एक बार खट्टर, एक बार हुड्डा। अब ऊपर वाले ने एक पार्टी भेजी, आम आदमी पार्टी। 70 साल के बाद भारत में एक पार्टी पैदा हुई है जो लोगों से खुल के स्कूल और अस्पताल की बात करती है। किसी पार्टी के अंदर आज हिम्मत नहीं है। पूरे देश में कोई पार्टी ले लो, किसी में हिम्मत नहीं है जो स्कूल और अस्पताल की बात करके दिखाए। हमने काम कराया, हमने स्कूल अस्पताल बदल के दिखाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको स्कूल और अस्पताल चाहिए कि जाटो और नॉन जाटो में दंगे चाहिए? जनता को स्कूल अस्पताल चाहिए, जनता को बिजली पानी चाहिए, जनता को खेती चाहिए, जनता को किसानी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को सड़कें चाहिए, जनता को दंगे नहीं चाहिए, जनता को जात पात नहीं चाहिए, जनता को धर्म नहीं चाहिए, जनता को हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जो जिन लोगों को लगता है कि इनेलो या चौटाला हरियाणा के स्कूल और अस्पताल ठीक कर सकते हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। जिन जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस या हुड्डा साहब हरियाणा के स्कूल अस्पताल ठीक कर सकते हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। जिन जिन लोगों को लगता है कि खट्टर साहब या बीजेपी हरियाणा के स्कूल अस्पताल ठीक कर सकते हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। जिन जिन लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी आपके स्कूल अस्पताल ठीक कर सकती है, जरा हाथ खड़े कर दें। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपके स्कूल अस्पताल ठीक कर सकती है, तो दोस्तों, अगर स्कूल अस्पताल चाहिए तो अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, फिर इन सारी पार्टियों को छोड़ देना। दोस्तों, आज हरियाणा के किसान दुखी हैं। हरियाणा में किसान की अगर फसल बर्बाद होती है, वो क्या करता है? वो इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाता है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाके कहता है मेरी फसल बर्बाद हो गई। कंपनियां क्या कहती हैं? जब तक पूरे गांव की 70% फसल बर्बाद नहीं होएगी, तब तक हम मुआवजा नहीं देंगे। कहती है कि नहीं कहती? किसी को मुआवजा नहीं मिलता। मैंने पढ़ा था अखबारों के अंदर, इन कंपनियों के मालिकों को हजारों हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो गया और इन्होंने किसी किसान को आज तक मुआवजा नहीं दिया। ये कंपनियां केवल लूटने के लिए है, ये फसल बीमा योजना केवल लूटने के लिए है। दिल्ली में हमने फसल बीमा योजना लागू नहीं होने दी। पिछले साल हमारे दिल्ली के किसानों की फसल बर्बाद हुई। मैं खुद गांव गांव में गया और मैंने जाके वहां पे ऐलान करा, 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा ऐलान करा। कोई शर्त नहीं, अगर किसी गांव में एक किसान की फसल भी बर्बाद हुई, उसको भी हमने 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिलाया। 3 महीने के अंदर चेक मिल गया मेरे सारे किसानों को। हरियाणा के अंदर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि फसल बीमा योजना बंद की जाए? क्या आप चाहते हो कि मुआवजा चालू किया जाए? अगर किसी भी किसान की फसल बर्बाद होती है, इंश्योरेंस कंपनियों के धक्के खाने नहीं पड़ने चाहिए किसानों को। किसानों को सीधे सरकार मुआवजा दे और 3 महीने के अंदर उनके अकाउंट के अंदर मुआवजे की रकम आ जानी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाथ खड़े करके बता रहे ये इंश्योरेंस कंपनियां केवल लूटने के लिए हैं। उसी तरह से दोस्तों, हमारे शहीद बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। इन सैनिकों के मैंने परिवारों को शहीद होने के बाद रुलते हुए देखा है। हमारा सैनिक शहीद होता है, अपनी जान की कुर्बानी करता है,
और उनके बाद कोई सरकार उनका ख्याल नहीं रखती, उनके परिवार उनके मरने के बाद रोते रहते हैं। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर ये स्कीम निकाली है कि अगर किसी भी परिवार का व्यक्ति शहीद होगा बॉर्डर पे, शहादत के बाद उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी गई। हमने कई लोगों को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। अभी तक 20 ऐसे शहीद है जिनके परिवार को सम्मान राशि दी है। 20 करोड़ रुपए देने से दिल्ली सरकार कंगाल नहीं हुई, 20 करोड़ रुपए देने से दिल्ली के लोग कंगाल नहीं हुए। कोई भी सरकार दे सकती है, देना चाहिए। अगर हम अपने शहीदों का ख्याल नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान रखेगा हमारे शहीदों का ख्याल। जो समाज अपने शहीदों का ख्याल नहीं रखता, वो समाज वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। अगर हम कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, हरियाणा भी कर सकती है, महाराष्ट्र भी कर सकती है, राजस्थान भी कर सकती है। 20 करोड़ रुपए में दिल्ली सरकार कमजोर नहीं हुई। नीयत नहीं है, नीयत चाहिए। इन लोगों की नीयत में खोट है, इनके दिमाग में ही नहीं आता। मैंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को जब हमने ये स्कीम लागू करी। मैंने कहा जी हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आप ये स्कीम लेके आओ कि अगर बॉर्डर पे कोई भी सिपाही शहीद होगा उसके परिवार को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी केंद्र सरकार। लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये सब चीजें हम कैसे कर पा रहे हैं? अभी पिछले हफ्ते हमने दिल्ली में एक स्कीम निकाली है। दिल्ली के अंदर अगर किसी भी इलाके में अब बिजली जाएगी, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, दिल्ली में 24 घंटे कर दी बिजली हमने। जब हमारी सरकार बनी उसके बाद रोज बिजली जाया करती, रोज बिजली जाया करती। लोगों ने जनरेटर खरीद रखे थे, इन्वर्टर खरीद रखे थे। 3 साल में 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली में, और पिछले हफ्ते स्कीम निकाली है दिल्ली में अब अगर बिजली जाएगी प्रति घंटे 2 घंटे 50 रुपए का मुआवजा, और उसके बाद 100 रुपए प्रति घंटे का मुआवजा किसी भी आदमी को दिया जाए। मान लो आपके इलाके में बिजली गई, आपके परिवार को 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पहले 2 घंटे के, और अगर 2 घंटे बाद भी बिजली नहीं आई तो 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। कैसे किया हमने? क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली में बिजली नहीं जाएगी, और अगर कभी बिजली गई तो बिजली कंपनियों का टेटुआ पकड़ के ठीक कर देंगे उनको। मैं सोच रहा था हरियाणा सरकार अगर कर दे कि अगर हरियाणा के किसी गांव में बिजली जाएगी और उनको मुआवजा मिलेगा तो हरियाणा का तो सारा ही बजट मुआवजे में चला जाएगा। बिजली तो आती नहीं यहाँ पे, ना गांव में आती ना शहर में आती। अभी हमने दिल्ली में करा है। आप अगर किसी सरकारी विभाग में काम कराने जाते हो, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जमीन के कागज बनवाने हैं, पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? रिश्वत देनी पड़ती नहीं देनी पड़ती? दिल्ली में हमने करा है। अब आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने फोन नंबर दे दिया जनता को 1076 4 डिजिट का। दिल्ली सरकार से किसी को कोई काम कराना है, दिल्ली में फोन करो इस नंबर पे, फोन करके बोलो जी मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वो आपसे पूछेंगे कितने बजे आए आपके घर। आप बोलो जी रात को 8 बजे आना। रात को 8 बजे दिल्ली सरकार का एक अफसर आपके घर आएगा, सारी मशीनें लेके आएगा, आपके सारे कागज वहां पे फोटोकॉपी करेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा। आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं, लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं, किसी के धक्के खाने की जरूरत नहीं। आपके घर के अंदर दिल्ली सरकार के सारे काम सरकार आपके घर करके जाती है। ये हरियाणा में भी हो सकता है। ये हम कैसे कर पा रहे हैं?
भाई साहब आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी क्रांति का नाम है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, हमारी आजादी अधूरी रह गई। भगत सिंह ने कहा था केवल अंग्रेजों के चले जाने से आजादी नहीं मिलने वाली, अंग्रेजों के चले जाने के बाद अगर ये सिस्टम और ये व्यवस्था वैसी की वैसी रह गई तो ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज आके बैठ जाएंगे। 70 साल से इन पार्टियों ने हमको लूटा है। अगर केजरीवाल 3 साल के अंदर स्कूल और अस्पताल ठीक कर सकता है, 70 साल में इन पार्टियों ने क्यों नहीं किया? 70 साल में इन पार्टियों ने हमको लूटा था। आज मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। 70 साल के बाद एक आशा की किरण जागी है इस देश के अंदर, आजादी की दूसरी लड़ाई चालू हुई है। जितने युवा यहां बैठे हैं, सारे युवाओं से मैं आह्वान करता हूं, इस आजादी की दूसरी लड़ाई में सारे शामिल हो जाओ और अपने देश को बचा लो। अगर कुछ साल और इन पार्टियों का राज रह गया, ये देश नहीं बचेगा, ये हरियाणा नहीं बचेगा। मेरे मन में कई बार आता है, सिंगापुर हमारे बाद आजाद हुआ, जापान और जर्मनी तहस नहस हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आज वो हमसे इतने आगे क्यों चले गए? हमारे में क्या कमी है? हमारे में कोई कमी नहीं है, इन पार्टियों और नेताओं ने देश को लूट लिया। दोस्तों अब टाइम आ गया, इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, इन नेताओं को उखाड़ के फेंक दो और इस आजादी की लड़ाई में सारे शामिल हो जाओ। दोस्तों अन्ना आंदोलन से ये लड़ाई शुरू हुई थी, अब इस देश की सफाई करेगी झाड़ू से, इस देश की सफाई करेंगे दोस्तों भारत।